यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन न्यूज़ के साथ मैं हूँ रूज फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं कानिता इम्तियाज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि ओपोजिशन ने ईवान में मीसाक़े मईशत की पेशकश की। मीसाक़े मईशत पर ओपोजिशन लीडर को इनकी अपनी जमात सपोर्ट नहीं करती तो हमारी सपोर्ट ले लें। मुशीर इत्तला'आत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये हुकूमत एक और मिनी बजट की तैयारी कर रही है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना से कोई उम्मीद नहीं है, वफाकी हुकूमत से अब तक बजट पास नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआवन खसूसी बराए इत्तला'आत फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पहली बार इख्तदार से बाहर होने का दर्द महसूस कर रहे हैं। मौलाना इख्तदार से बाहर होकर मछली की तरह तड़प रहे हैं। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की सदारत पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने की। कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, तरक्याती मंसूबों और मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सबको मालूम है मैं करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करूँगा। इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहना था कि NRO के लिए इनसे बराह रास्त राब्ता नहीं किया गया। रुकने सिंध असम्बली और रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर का कहना है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे पता है और ये सब झूठ है। फरियाल तालपुर की सिंध असम्बली इजलास में आमद पर अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर उनका खैर मकदम किया। सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए फरियाल तालपुर को उनकी रिहायशगाह से पुलिस और रेंजर्स की सख्त सिक्योरिटी में ले जाया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज। Thank you.